हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आ गई हूँ आज एक न्यू वीडियो के साथ। आपको पता है क्रंच वीडियो नहीं है, ये है रिवेल वीडियो। मैंने क्या गिफ्ट दिया है मेरे हस्बैंड को, उसके लिए बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि आपने बताया नहीं किसका जवाब सही है ये वो। ठीक है, एक मिनट रुकते। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि मतलब रिवेलिंग वीडियो है ये, और दूसरी बात एसी चल रहा है तो आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी थोड़ी बहुत। तो 90% लोगों ने कार के लिए बोला है, बहुत सारे लोगों ने मतलब सबने अपने अपने हिसाब से कमेंट्स बोले हैं। तो मैं आपको कमेंट्स का जवाब देना चाहूँगी। तो ये है मार्टिना पोल, मैं मैडम आप कार ले रहे हैं जरूर, क्या मैं सही हूँ। फर्स्ट कमेंट श्रुति का है, सेकंड है ये, और एडवांस जी अंजलि जी बोल रहे हैं एडवांस कंग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू कार सिस। और फिर इन्होंने टाइम स्टैम्प दिया है मेरी वीडियो को इन्होंने भी। और नैना भाटिया वेटिंग फॉर द सरप्राइज अमेजिंग क्रंच, क्रंच की तारीफ भी की है और सरप्राइज के लिए वेट भी कर रहे हैं। तो मैं सबकी पढ़ के फिर आपको बताती हूँ कि वो है क्या चीज़। कंग्रेचुलेशन डियर मैम, आई थिंक सो न्यू फ्लैट या न्यू प्लॉट मीन्स न्यू हाउस। ये हैं एकता जी, ये बोलते हैं कि आपने मतलब आप समझ गए होंगे, मुझे हिंदी में बोलने की जरूरत नहीं है। बिजिया जी अमेजिंग क्रंची, एशियन सिस्टर लव योर नेल सिस्टर, थैंक यू सो मच डियर। और सुष्मिता शाह ड्राई क्रंच ऑल टाइम फेवरेट। कृति इनका भी है, जितेंद्र कुमार दास यम्मी डिलीशियस क्रंच, पीएस गेमिंग रेखा जी है ये अमेजिंग क्रंच, गंगोत्री नाइस क्रंच। इनका बोलना है कि आपने मतलब डेफिनेटली इट मे बी ए न्यू फोर व्हीलर, अमेजिंग माउथ वाटरिंग क्रंच। सोनम जी, सोनम असमर क्रंच जो हैं वो मेरी दोस्त हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है अनु जी फर्स्ट कंग्रेचुलेशंस फॉर न्यू कार, हाँ या ना, अगर हाँ तो आई एम रियली वेरी हैप्पी, अगेन चीयर्स, थैंक यू सो मच सोनम जी, थैंक यू। सुष्मिता शाह सुपर्ब MP SP क्रंच अमेजिंग, KD ड्राई क्रंच अमेजिंग, पूजा जैन वाओ मिनी किटकैट ब्लैक एंड वाइट सो यमी वेरी टेस्टी ऑसम क्रंच, दुर्गा गंगन प्रीत वाओ यमी, सिमरन यमी, नीतू सिंह ये यहीं के हमारे पास के, क्रंच साउंड नाइस वाइट आइटम सो यमी 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 सोनम वाओ, दीपा रैना ने बोला है फोर व्हीलर ली होगी, मोनिका खेर यमी यमी, हिमान्या दत्त ने बोला है कार ड्राइंग बाय कार्तिक फोर व्हीलर होगी डियर। और श्री आयशा इन्होंने बोला सुपर वेरी नाइस क्रंच, अदेबा खाने की शौकीन कार ले रहे हो आप, कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस, कमलेश पांडे फर्स्ट लाइक, मैंने आपको हमेशा सपोर्ट करती हूँ, लव यू दी, थैंक यू, लव यू टू डियर। भव्या पांडे हार्ट दे रहे हैं ये, मोनिका कुमारी क्रंच सुपर क्रंच क्वीन, थैंक यू सो मच मोनिका जी, श्वेता नाइस साजा सुपर क्रंच, जगदीश वेरी मच एंड यम्मी यम्मी नाइस, बधाई हो एडवांस में अलीजान, अवंतिका त्यागी फैबुलस क्रंच, आपके हाथ बहुत सुंदर है, नखून भी कमाल के हैं दी, थैंक यू सो मच। आई गेस हर हस्बैंड्स गिफ्ट वाज ए कार, मतलब लगभग आप ये देख लो सभी ने मिला के सभी के कमेंट के हिसाब से 90% लोगों ने कार के लिए बोला है, कुछ लोगों ने फ्लैट के लिए बोला है, कुछ लोगों ने बाइक और स्कूटी के लिए बोला है, कुछ लोगों ने बोला है कि आपने घर लिया है, कुछ लोगों ने बोला आपने प्लॉट लिया है। तो रिवेल करने से पहले मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, मैं ढूंढ लेती हूँ, मेरे दूसरे फ़ोन में है वो। हाँ, तो ये मोनिका जी है, मोनिका कुमारी, ये भाई मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी वाली फ़ैन है, बहुत ज़्यादा बड़ी वाली, सही बता रही हूँ, बहुत जिसे कहते हैं ना बहुत बड़ी वाली, बहुत अच्छी दोस्त भी हैं मेरी, बात हमारी होती रहती है। और ये चाहती है कि मैं अपने वीडियो में इनके हस्बैंड का नाम लूँ, तो इनके हस्बैंड का नाम है लखविंदर कुमार लक्की, इनके हस्बैंड का नाम है ये, बहुत ही अच्छा नाम है लखविंदर
लखविंदर नहीं, सॉरी मैंने गलत ले लिया, ये लिखा है लखवीर कुमार, लखवीर कुमार लक्की, इनके हस्बैंड का नाम है। तो मोनिका जी बताइएगा जरूर आपका कैसा लगा मैंने नाम लिया, तो आप चाहते थे मैं नाम लूँ, तो बस ये एक और था जो मुझे लेना था। इनके हस्बैंड बाहर रहते हैं मतलब काम के सिलसिले में, तो अभी आए हुए हैं इनके घर पे, तो इसलिए चाहती थी कि मैं जल्दी से वीडियो बनाऊँ। मेरे पास टाइम नहीं था लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं जल्दी से बना देती हूँ, आप लोग रिक्वेस्ट करते हो जाहिर सी बात है मुझे पूरी करनी करनी है। तो हाँ अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे, पॉइंट ये है कि वो है क्या गिफ्ट जो मैंने लिया है। देखो सभी का सपना होता है, एक मेरा भी एक सपना था कि मैं भी लूंगी, कभी कभी ना कभी जरूर लूंगी। शादी में पापा ने नहीं दी थी क्योंकि इन लोगों ने मना कर दिया था, यहाँ पे जगह नहीं थी, पहले हम दूसरे घर पे रहते थे तो फिर हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। आप लोगों को पता ही है चार मकान है हमारे, जब मैं हमारी शादी हुई थी तो हम दूसरे घर पे थे, अभी शादी के बाद फिर हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, यहाँ पे कोई जगह वगैरह नहीं है इस गली में, इसीलिए पापा ने नहीं दी थी। वो एक कार है जो कि मैं खरीद चुकी हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, नाम मैं बता देती हूँ लेकिन जब मैं आपको दिखा भी दूंगी, अभी मौका नहीं मिल रहा मुझे दिखाने का व्लॉग बनाने का, तो जिस दिन मैं व्लॉग बनाऊंगी आपको दिखा दूंगी। मैंने रेनॉल्ट क्विड ली है, तो आप लोग उसके प्राइस वगैरह अगर जानना चाहते हो तो आप कहीं भी सर्च कर सकते हो, आपको उसके प्राइस पता चल जाएंगे। तो बहुत दिन से सरप्राइज प्लान किया था मैंने, शादी से पहले मैं खुद के लिए चाहती थी और फिर शादी हो गई थी तो इसीलिए मैंने सोचा था कि खुद के लिए करूँ ना करूँ, लेकिन एक बार मैं अपने हस्बैंड को ये गिफ्ट मैं जरूर दूंगी, कार गिफ्ट करूँ। और मतलब फिर मैंने सोचा धीरे धीरे, मतलब प्लानिंग करी मैंने, फिर आप लोगों को पता ही है तो मैं चुपके चुपके प्लानिंग करते हुए मैं फाइनली मैं वहाँ तक पहुँच गई कि उनके लिए कार खरीद सकूँ, तो मैंने खरीद ली और वो कार ही है। 90% लोग बिल्कुल सही थे, तो कंग्रेचुलेशन आपने बोला था तो मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। आप लोगों के प्यार के बिना ये नहीं हो सकता था, आप लोगों का प्यार ही था जो मुझे यहाँ तक लेकर आया है, तो उन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, एक बार फिर से तहे दिल से मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। और हाँ मेरा सपना ये, मतलब मुझे कार चलाने में इतना मज़ा नहीं आता, मुझे बाइक चलाने में बहुत मज़ा आता है, मुझे बाइक सोखने मतलब बाइक को सोख है बहुत ज़्यादा चलाने का, सीखने की कोशिश भी की है ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ी बहुत दूर तक ही चला पाई हूँ लेकिन सीख लूँगी जहाँ तक मुझे पता है, मैं जल्दी सीख जाऊँगी ये भी मुझे पता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एक जुनून सा होता है ना जो बाइक सीखने का है, वो कार का नहीं है, मुझे बाइक बहुत पसंद है, तो मैं बाइक ज़रूर सीखूँगी और जब सीख लूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो बस यही मुझे बताना था। तो रिवेलिंग मैंने जो बहुत सारे लोग पूछे थे रिवेल करो क्या गिफ्ट दिया क्या गिफ्ट दिया, वो मैंने आपको बता दिया है, व्लॉग में मैं आपको दिखा भी दूंगी, ठीक है। रेड कलर की है रेनॉल्ट क्विड, आप लोग प्राइस जाके देख लेना कितने का है, बोलूंगी तो फिर वही वाली बात हो जाएगी कि दिखावा कर रही है, दिखावा मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, जैसी मैं हूँ ऐसी हूँ, ऐसी मैं घर में हूँ ऐसी ही आप लोगों के सामने, गुस्सा आता है तो गुस्से में हूँ, खुश हूँ तो खुश हूँ, और गुस्सा है अगर मेरे अंदर तो मेरे फेस पर भी दिखेगा, अगर मैं अंदर से खुश हूँ तो मेरे फेस पर खुशी दिखेगी। दोगला इंसान होता है ना जो मुँह पर कुछ और होता है और दिखता कुछ और है करता कुछ और है, वो वाली चीज़ मेरे अंदर नहीं है। अगर मेरे अंदर गुस्सा है तो आपको मेरे फेस पर गुस्सा ही गुस्सा नजर आएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा नजर आएगा, हाई लेवल का गुस्सा है मेरा, जब मुझे गुस्सा आता है तो डर जाते हैं मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड भी चुप हो जाते हैं जब मुझे गुस्सा आता है, तो को पता है इसको गुस्सा आया है तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए कोई बोलता नहीं है जब मुझे गुस्सा आता है, तो वैसे मुझे गुस्सा आता नहीं है जल्दी से, जब मैं बहुत बुरी तरह खिलस जाती हूँ तो मुझे गुस्सा आता है, पर यह है कि मैं दोगली नहीं हूँ बिल्कुल भी, जैसी हूँ आप लोगों के सामने हूँ, हैप्पी हूँ तो हैप्पी दिखूंगी, गुस्सी हूँ गुस्से में हूँ तो गुस्से में दिखूंगी, दुखी हूँ तो दुख में दिखूंगी, यही है बस, ठीक है। तो बताइएगा जरूर आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, और हैप्पी रहिएगा, अपने घर वालों का भी हैप्पी रखिएगा, ठीक है, बाय फ्रेंड्स।